हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका गौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग विद बेस। आज हम SST या फिर सोशल साइंस जैसे कहते हैं उसे उठा रहे हैं और आज से स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास की NCERT। और आपको पता है कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई CTET का एग्ज़ाम देना है, और जैसे कि अभी 2019 में इस साल होने वाला है एग्ज़ाम CTET का, जिनका मेन सब्जेक्ट SS है, सोशल साइंस है, उनके लिए तो NCERT एक ब्लेसिंग्स है, क्योंकि NCERT से ही सारे क्वेश्चंस उठ के आएंगे। और आप मिला सकते हैं, अगर आप पुराने पेपर उठा के अगर NCERT से मिला के देखें तो कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। NCERT ही आपका बेड़ा पार करा सकती है, ये सच्चाई है। और अगर आप HTET या कोई भी टेट आपका ऐसे से रिलेटेड है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। इवन दो अगर आप CTET या टेट के अलावा कोई एग्ज़ाम की तैयारी और कर रहे हैं, जैसे कि KVS, NVS, DSSS भी, इन सब के एग्ज़ाम में भी आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस आती है। और जनरल अवेयरनेस में होता क्या है, करंट अफेयर्स एंड सोशल साइंस। और सोशल साइंस आपको पता है इट्स वेरी वाइड सब्जेक्ट, लाइक सिविक्स, ज्योग्राफी और आपको ये हिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट्स आपको इसमें पढ़ने होते हैं। और अगर हम टीचिंग एग्ज़ाम से अदर एग्ज़ाम्स की बात करें, SSC CGL या फिर इवन दो IAS के बच्चे जो IAS की तैयारी स्टार्ट करते हैं, वो सबसे पहले NCERT उठाते हैं ताकि उनका एक बेस बन जाए। तो आप खुद देख लो कि NCERT क्या है, और इट्स लाइक यू नो इट ट्रेजर फॉर अस। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम ना फालतू की चीज़ें छोड़ के, जो ये ऊपर ये सब लिखा हुआ है इसमें कुछ नहीं एग्ज़ाम में आना है, हम सिर्फ एग्ज़ाम से ओरिएंटेड चीज़ें देखेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। और मैं आपको इसमें बताऊंगी कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्या आपसे पूछ सकता है, और स्पेशली CTET वाले बच्चों के लिए तो बहुत हेल्पफुल होगी। देखिए फर्स्ट बात करते हैं, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता देती हूँ कि नर्मदा रिवर, मतलब रिवर के आसपास ये लोग रहते थे क्योंकि इन लोगों को पानी की बहुत ज़रूरत होती थी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से उठ के आएगा, स्किल्ड गैदरर कौन से होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्किल्ड गैदरर होते कौन है, या स्किल्ड गैदरर किसे कहते थे। स्किल्ड गैदरर उसे कहते थे जो लोग उस टाइम पे अपने फूड को गैदर करते थे। सो सिंपल, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, फिर फूड उनको जो खाना पीना है वो उनको मिलता था, ये मछली या मीट या जो भी वो खाते थे वो हंटिंग करके खाते थे, तो उनको स्किल्ड गैदरर कहते थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पेज पे चलते हैं। और आप ये अपनी NCERT अपने साथ भी रख सकते हैं पढ़ते पढ़ते, और आप इसमें जो मैंने ये मार्क किए हुए हैं आप अच्छे से इनको मार्क भी कर सकते हैं, और फिर आप इनको रिवाइज़ कर सकते हैं। और अगर जिन बच्चों के पास NCERT नहीं है उनको सीरियसली ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं कोई भी पार्ट, इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा, इंपॉर्टेंट लाइन होगी, वो स्किप नहीं करने वाली हूँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सेकंड पेज पे आते हैं हम, सुलेमान एंड किरथार हिल्स। देखिए सुलेमान एंड किरथार हिल्स क्या था, ये इस टाइम पे हिल्स पे रहते थे। ठीक है, तो ये दो जगहों का इन्होंने नाम बताया कि इस टाइम पे ये रहते थे। और यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या चीज़ ग्रो करनी स्टार्ट की, जो क्वेश्चन आता है, वीट एंड बार्ले, क्वेश्चन आ सकता है ये बिल्कुल डायरेक्ट। अब ये लोग पशुपालन भी करते थे, तो पशु जो ये जिन पशुओं को पालते थे उनका नाम क्या था, रियरिंग करते थे जिनकी, शीप, गोट एंड कैटल। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इन्होंने एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है, देखिए द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि विंध्यास के नॉर्थ में या साउथ में, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन ये आएगा कि फर्स्ट जो क्रॉप थी वो कौन सी ग्रो की गई विंध्यास के टाइम पे, वो थी राइस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आ गया, या फिर राइस कहाँ ग्रो किए गए विंध्यास में। नेक्स्ट है ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं। भाई ये CTET में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं जिसमें लोगों को लगता है बड़े सिंपल से हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि ट्रिब्यूटरीज क्या होता है। सिंपल सी बात है, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं ना, और जो बड़ी नदियों में जाके बह जाती हैं, उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इन टू लार्जर रिवर। ठीक है, अब देखते हैं ये। अच्छा देखें, गंगा जो थी ना, सपोज कीजिए ये गंगा यहाँ से बहती है, लाइक आप ये रास्ता मान लीजिए, और मैंने ये बीच में से ऐसे एक इसका मैप बना दिया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब जो गंगा के जो साउथ का पार्ट था ना, इसको कहते थे मगध। ठीक है, ये रहा मगध, जिसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह पढ़ने को मिलेंगे, जो हम आगे पेज में पढ़ेंगे। मगध था भाई यहाँ पे, गंगा के साउथ में मगध था, और मगध बड़ा एम्पायर था, और इसके बारे में आगे बढ़ने को मिलेगा। लेकिन ये आप याद रखना कि मगध जो है वो कहाँ पे डेवलप हुआ, गंगा के साउथ में। अब यहाँ पे बात करते हैं,
हाँ देखो, ये है इंडिया। इस पैराग्राफ में हमें पता चलेगा कि जो इंडिया है ये नाम कैसे आया, ये भारत नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, इंडिया एंड भारत, ये दो नाम जो हैं हमारी कंट्री के लिए बोले जाते हैं। अब देखिए, जो इंडिया वर्ड है ये कहाँ से आया, ये आया इंडस से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, इंडिया कहाँ से वर्ड आया है, इंडस से। अब एक क्वेश्चन ये आ सकती अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो इंडस है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको संस्कृत में कहते हैं सिंधु। ठीक है, इंडिया जो है वो किससे आया, इंडस से आया, और इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं, SINDHU, सिंधु। ठीक है, देखिए जो इरेरियंस एंड ग्रीक जो थे इनसे ये हिंदू वर्ड या ये सिंधु वर्ड बोला नहीं जाता था, तो ये इसको बोलते थे हिंदोज या इंडोज। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये उठ के आ सकता है कि जो भारत है ये ग्रुप, एक कुछ ग्रुप के लोगों को बोला जाता था जो रहते थे नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि जो भारत वर्ड है ये जो है ये कहाँ मेंशन है, ये मेंशन है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद जो है ये अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत की। तो ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, सबसे अर्लीस्ट जो कंपोजिशन है वो कौन सी है, ऋग्वेद। अब देखिए नेक्स्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट वो होता है जो हाथ से लिखी जाती हुई चीजें हैं। ठीक है, दे वर रिटन बाय हैंड, बिल्कुल आ सकता है ये। अब देखिए, इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट को दो भागों में आप डिवाइड करो, एक तो हो जाएगा मेन्यू और एक हो जाएगा स्क्रिप्ट। तो जो मेन्यू है इसे क्या कहते हैं, हैंड। ठीक है, तो जो ये मेन्यू वर्ड है ये कहाँ का वर्ड है, लैटिन का, जिसका मतलब क्या है, हैंड। एंड दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ, ये भी आ सकता है कि ये कहाँ पे, किस चीज़ पे लिखा जाता था, पाम लीफ पे लिखा जाता था या फिर कोई स्पेशली जो ये खाल होती है ना इसकी ट्री की, उसे कहते हैं बार्क, या फिर उस पे लिखा जाता था, और जिसे बोलते हैं बर्च। ठीक है, विच ग्रोज इन हिमालयाज, जो हिमालय के टाइम पे हिमालयाज में ग्रो होती थी। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अभी ये मैन्यूस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो ज़्यादातर किस में लिखी गई हैं, एक तो संस्कृत में। भाई संस्कृत में क्यों लिखी गई हैं, क्योंकि उस टाइम पे प्रचलित जो भाषा थी वो यही थी। ठीक है, जो कॉमन लोग बोलते थे वो यही भाषा बोलते थे, या फिर प्रकृत या फिर तमिल, तो तीन लैंग्वेज में जो है मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, तो क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब देखिए, अभी हमने मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ा, अब हम इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है इसके, आपको डिफरेंस समझ में भी आ जाएगा। इंस्क्रिप्शंस कौन सी होती हैं, जो राइटिंग होती है हार्ड सरफेस पे, देखते हैं इंस्क्रिप्शन को। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन भी रिटन वर्ड होते हैं, लेकिन ये किस पे लिखे जाते हैं, ये हार्ड हार्ड चीज़ों पे लिखे जाते हैं। देखिए आप, जैसे कि ये हार्ड जो है ये पत्थर टाइप का ये देख सकते हैं, इस पे ये इंस्क्रिप्शंस जो लिखी हुई हैं इस पे लिखी जाती थी। लेकिन अगर हम मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करें तो वो कहाँ पे लिखी जाती है, वो पाम लीफ पे या फिर बर्च पे, और बर्च किसे कहते हैं, ट्री के बार्क को बर्च कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको और इसमें क्वेश्चन में आ सकती है कि जो इंस्क्रिप्शन है ये हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, जो होती है स्टोन और मेटल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखना। अब नीचे चलेंगे, अब देखते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल एक बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट होते क्या हैं, जो बिल्डिंग के रिमेनिंग ऑफ बिल्डिंग्स को जो रीड करते हैं, जो स्टडी करते हैं, जो एक्सप्लोर करते हैं या एक्सकेवेट करते हैं। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, ये बिल्कुल अच्छे से एग्जाम में आता है। अब देखिए ये आ सकता है, हिस्टोरियंस जो थे वो सोर्स वर्ड क्यों यूज करते थे, दे यूज्ड दिस वर्ड टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स या फिर इंस्क्रिप्शन या फिर आर्कियोलॉजी। अब हिस्टोरियंस करते क्या है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी यही सब को तो एक्सप्लोर और फाइंड आउट करते हैं, और फाइंड आउट करते हैं फिर इनको रीड करने की कोशिश करते हैं। जब इनको ये सब चीज़ें मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, ये सोर्स। तो सोर्स का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, कि भाई इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब नेक्स्ट करते हैं, हाँ देखिए इससे भाई क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मुझे ये याद नहीं है, ये 2014 का है या 2013 या 12 का है, कुछ इसी टाइम का ये क्वेश्चन है, और
प्रेजेंट ईयर का ये पूछा गया था कि भाई ये ईयर जो है इसको एडी कहेंगे या बीसी कहेंगे या क्या कहेंगे। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और मैंने कभी पढ़ा था ये क्वेश्चन। तो अभी अगर आप इस टाइम का एग्जाम देंगे तो ऐसे पूछ सकते हैं, 2019 को आप कैसे लिखेंगे? ए में ऑप्शन दे देंगे एडी, बी का ऑप्शन दे देंगे बीसी, एंड सी का ऑप्शन दे देंगे बीसीई, और डी का ऑप्शन दे देंगे नन ऑफ दीज। ठीक है, देखिए ये कहते हैं कि जब बर्थ हुआ था जीसस क्राइस्ट का, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि जो सपोज कीजिए अभी क्या चल रहा है, ये 2000 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, और अभी चल रहा है 2019। तो देखिए 2019 मतलब 2019 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और यहाँ से जब हम वापस जाते हैं तो उल्टी गिनती स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये जो साल है इसको कहेंगे बिफोर क्राइस्ट, जो यहाँ से जहाँ से उल्टी गिनती स्टार्ट हो रही है, और यहाँ से जो ये 2000 से 2001, 2002, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और टिल 19 और जो भी आगे आते जाएगा उसको एडी में बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा कि 2019 या 2020 को आप क्या कहेंगे, बी सी ऑप्शन में दे देगा या ए डी ऑप्शन में दे देगा और एक दो ऑप्शन में और डाल देगा और नन ऑफ दीज लिख देगा, तो आपका आंसर होना चाहिए ए डी। समझ आ गया? इसे कहते हैं एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। और बी सी को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो देखिए इन्होंने लिखा है ना, यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो आगे है, देखिए बी सी बिफोर क्राइस्ट, ए डी एनो डोमिनी, इसकी फुल फॉर्म भी ये पूछ सकता है, और ये दो लेटिन वर्ड हैं एनो एंड डोमिनी। 2005 कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए डी 2005। जैसे कि मैंने बताया 2000 से स्टार्टिंग पॉइंट लगाएंगे हम अपना और आगे चलते जाएंगे तो ए डी में उसको लिखेंगे। तो आपसे 2000 के बाद का कोई भी सन पूछे तो आप ए डी में आंसर करेंगे, और इससे पहले के पूछे तो फिर आप उसको बी सी में आंसर करेंगे। अब देखो बी सी और ए डी इनको एक एक नाम से या एक एक और इनका नाम दिया हुआ है। देखिए जो बी सी है इसे कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, बी बिफोर सी कॉमन ई एरा, और ए डी को कहते हैं कॉमन एरा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, बी सी को कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, ए डी को कहते हैं कॉमन एरा। अब देखिए अब आता है इंस्क्रिप्शन वगैरह। देखिए जो अब हमारे दिमाग में ये भी आता है कि इंस्क्रिप्शन जो स्टोन पे लिखी जाती थी वो इनको पढ़ते कैसे थे, इन लोगों की जो स्टडी होती थी ये जो लोग स्टडी करते थे इंस्क्रिप्शंस की, तो जो प्रोसेस होता था वो उसे कहते हैं डेसीफरमेंट। बिल्कुल क्वेश्चन बन के आ सकता है डायरेक्ट, डेसीफरमेंट क्या है? ठीक है, ये एक वो प्रोसेस है जिसमें इंस्क्रिप्शंस को रीड किया जाता था, और इंस्क्रिप्शंस में होता क्या है, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज ऑफकोर्स रिटन है, तो वो जो लैंग्वेज बोली जाती है वही राइट की जाती है, और स्क्रिप्ट में होती है। अब देखो ये रीड कैसे करते थे, जैसे ये साइन हुआ तो इसका मतलब है पी, ये साइन है तो इसका मतलब है टी, ये साइन हुआ तो इसका मतलब है ओ, तो ऐसे ऐसी चीज़ें इनको समझ आती थी। अब एक मेन चीज़ करते हैं रोजेटा। देखिए रोजेटा है क्या, रोजेटा एक टाउन है, ये है इजिप्ट में। ठीक है, अब इसमें ना एक इन्होंने इंस्क्रिप्शन देखी, बड़ी ओल्ड इंस्क्रिप्शन थी, इस इंस्क्रिप्शन में तीन डिफरेंट लैंग्वेज थी, और जिसमें है तीन डिफरेंट लैंग्वेज में, एक तो ग्रीक थी और दो ही इजिप्ट की अलग अलग भाषाएं थी। ठीक है, अब इसमें इन्होंने जब इसको रीड किया तो इसमें क्या था, इसमें जो किंग और क्वीन के नाम थे लेकिन वो किस में थे, कार्टच में, और कार्टच किसे कहते हैं, लिटिल फ्रेम को। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं आपको व्हाट्सएप लिंक दे दूंगी, आपको कोई भी डाउट आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में मैं लिंक में दे दूंगी, तो आप वो भी वहाँ पे भी अपने इश्यूज़, अपने प्रॉब्लम्स, अपने जो भी है आपको डाउट्स वो पूछ सकते हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, और हमने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में, और जो मैं करा रही हूँ इससे ज़्यादा कुछ आएगा भी नहीं, और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं
कोई भी स्किप नहीं करूँगी, कोई भी लाइन स्किप नहीं करेंगे हम। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।